मगर जब स्लो डाउन या रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है सॉरी कम हो जाता है स्लो डाउन और रिसेशन में कम हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये खतरनाक सिचुएशन एक बार 1970-75 में आई थी 1970-75 में और ये एक बार अब ये दोबारा आई उस टाइम पे भी ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी थी ओवर हीटिंग मतलब मैसिवली इकोनॉमी ग्रोथ पे थी जैसे अभी मैसिवली ग्रोथ पे थी क्यों मैसिवली लिक्विडिटी पंपिंग थी उस जमाने में लिक्विडिटी पंपिंग थी क्यों क्योंकि 1970 में ताज़ा-ताज़ा की मीटिंग हुई थी इसके बारे में हमने एक वेबिनार में करी है, जहां पे कह रहा था कि मेरे से डॉलर ले लो मेरे को फिर वहां पे ने बैठक बिठाई उसके बारे में रिपीट नहीं करूंगा जानू के अंडरलाइंग सिचुएशन सेम थी क्या इकोनॉमी की ग्रोथ थी बैग्ड बाय मैसिव लिक्विडिटी एंड बैग्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग लेबर ग्रोथ एंड उसको तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए उनको वहां पे 12 साल लग गए समझते समझते अल्टीमेटली 1980 में जाके उन्होंने किया यहां पे पॉवल को आज ही समझ आ गया कि उसको करना पड़ेगा एंड दो साल पहले सर आप तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी के सीएफओ भी हैं और आप समझते भी हैं डायनेमिक्स और हमने तो ग्रुप में आपके जो हमारा ग्रुप पे कॉमन जिसमें मैंने ऑलरेडी कई बार पोस्ट भी किया था 2 साल पहले कि जितनी इस टाइम पे पंपिंग हो रही है आने वाले समय में उतनी ही बड़े दिक्कतें पैदा होंगी उस टाइम पे तो भाई साहब सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था और वो दिक्कतें आएंगी ना तो वो आ रही हैं तो जो दिक्कतें यूएस को भी दिखी होंगी आई एम श्योर बट उस टाइम पे वो अर्जेंसी थी अगर पैसा ना छापते तो मार्केट वैसे ही क्रैश कर जाती अब मार्केट तो क्रैश करे करेगी करेगी साहब में इकॉनमी भी साथ-साथ चैलेंजिंग सिचुएशन में जाएगी yes. तो जब डिफरेंट क्वेश्चन दो दिस वाज नॉट इन माय माइंड मतलब यूएस जो स्टेप्स ले रहा है शॉर्ट टर्म कीपिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन माइंड इज दैट द करेक्ट स्टेप दैट दे टेकिंग सर देखो यूएस को ये तो समझ आ गया है कि ये जो ईगो क्लैश का जो इशू है रशिया के साथ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आई डोंट नो आप शायद पुराने जुड़े हैं नहीं बट जो पुराने जुड़े हैं मैंने 1 साल पहले जिक्र किया था इवेंट एंड डायसिस के तहत कि आने वाले समय में यूएस एशिया को बैटल ग्राउंड बना देगा आई डोंट नो किसी को याद है नहीं यार। बॉक्स में डाल सकते हैं और उसके बाद ही उसने अफगानिस्तान को एग्जिट किया और जब उसने किया तो हमने वीकेंड इंट्रैक्शन पे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में डिस्कशन भी करी थी अब ये बैटल ग्राउंड पूरा बना के जाएगा और ये बैटल ग्राउंड बनाने का उसका पर्पस क्या था उसको ये समझ आ गया था कि अगर यूएस की इकोनॉमी ने इतनी जो महंगाई झेलनी है उसके लिए उसकी जीडीपी ग्रोथ चाहिए जीडीपी ग्रोथ उसके डिफेंस के इक्विपमेंट के साथ ही हो सकती है और उसका डिफेंस का माल बिकेगा तो ही जीडीपी ग्रोथ होगी और तो ही वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा इसलिए ये जो पूरा स्टेज सेट किया हुआ यूएस ने वो चाहता ही नहीं कि सुलह हो वो चाहेगा ही नहीं कि सुलह हो सिंस वो चाहेगा ही नहीं सुलह हो तो अल्टीमेटली यूएस एक तरह से जीडीपी ग्रोथ डिफेंस के इक्विपमेंट से करना चाहेगा और दूसरी तरह से महंगाई को बाकी सेक्टोरल ग्रोथ को रोक के करना चाहेगा जहां पे लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए आई होप मैं समझा पा रहा हूं या, बाकी सेक्टर्स के ऊपर अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगा और डिफेंस सेक्टर को फर्दरुष्ट एग्रवेट कर, पुछ करेगा।, पुछ करेगा मगर उसको ये नहीं पता जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत कि यही अटैकिंग जो है ये यूएस के बॉर्डर पे भी होगी वो शायद उसको नहीं पता